फोटोशॉप से बेसिक स्टार्ट कर दें, ठीक है। स्टार्टिंग तो टॉप चलेगा फाइल एडिट इमेज वगैरह मेन्यू बार है, ठीक है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू, तो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट विंडो आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग साइज़ होते हैं जो हमें चाहिए होता है, जैसे डॉक्यूमेंट का साइज़ बनाना है, हमें बिलबोर्ड बनाना है, हमने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना है, या हमें कोई लेटर हेड वगैरह बनाना है, तो अलग अलग यहाँ पे साइजेस दे रखे हैं, तो हम खुद कस्टम भी कर सकते हैं अपना। पहले आपको प्रीसेट दिखा देता हूँ कुछ, जैसे हमें फ़ोटो के यहाँ पे साइजेस दे रखे हैं, ये देखो लैंडस्केप में चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है इमेजेस का, ठीक है, पोर्ट्रेट में चाहिए, ये अलग अलग साइजेस दे रखे हैं। प्रिंटिंग के लिए लेटर हेड हो गया, लीगल लेटर हो गया, है ना, A4 शीट हो गई, A3, A5, तो ये सारे शीट्स के साइज़ दे रखे हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशंस होती हैं, हम वेक्टर वगैरह बनाते हैं, अपने इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, उनके लिए साइज़ दे रखे हैं यहाँ पे। वेब डिज़ाइन, वेब के पेजेस के लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए यहाँ पे वेब के साइज़ दे रखे हैं, कॉमन साइज़ वगैरह, ठीक है। मोबाइल का हमने वॉलपेपर वगैरह डिज़ाइन करना है, या उसमें कोई UI डिज़ाइन करना है, UX डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कोई थंबनेल वगैरह बनाना है यूट्यूब का, यहाँ पर वो साइज़ दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रीसेंट पे जाते हैं, हम कस्टम कर लेते हैं। कस्टम में क्या होता है, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा क्लास, ठीक है, अभी के लिए आप नाम लिख सकते हो, जैसे आप बिलबोर्ड बना रहे हो या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी विड्थ होगी, विड्थ कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं सोशल मीडिया की एक वेब ऐड बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 1080x1080 एक साइज़ ले लिया। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक स्क्वायर इमेज अपलोड होती है, 1080x1080 होती है, 1:1 होती है उसकी साइज़, ठीक है। तो मैंने 1080x1080 पिक्सल्स में साइज रखा, ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। पिक्सल्स क्या होते हैं आपको पता है कुछ? आपने देखा होगा जूम करके हम फोटो को देखते हैं, हाँ, जूम करके देखते हैं हम फोटो को, फट रही होती है ना, वो दिख नहीं है, फट नहीं रही, तो इसे कहते हैं पिक्सलेट हो रही होती है वो, ठीक है, वो पिक्सलेट हो रही होती है, उसमें पिक्सल दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेज हो, पिक्सल्स होते हैं वो, तो वो पिक्सल्स से यही होते हैं, पिक्सल साइज होता है। जैसे इंचीज हो गया, आपको पता होगा इंचीज क्या होता है, सेंटीमीटर्स हो गए, ये यूनिट्स होगी, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मिलीमीटर्स हो गए, है ना, अलग अलग, तो पिक्सल्स में साइज़ रख लिया मैंने, ठीक है। आपको उसका रेजोल्यूशन कितना चाहिए, ये तो हो गया मेरा साइज़, ठीक है, सपोज मैं इसे इंचीज़ में कर देता हूँ, ये 15x15 इंचीज़ हो गया मेरा साइज़। अब सिंगल इंच के अंदर कितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ये वो बताता है, ठीक है, जैसे 15 इंच है यहाँ पे, उसके सिंगल इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, 72 पिक्सल्स, यहाँ पे होता है PPI, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PPI, पिक्सल पर इंच, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पर इंच, इंच एक पिक्सल, पिक्सल्स हैं 72 पिक्सल्स हैं इंच के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ करना है 72 को स्क्रीन डिज़ाइन के लिए, डिजिटल वर्ल्ड के लिए, जैसे हमें डिजिटली अपलोड करना होता है, जैसे फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है ना, जो डिजिटली हमने वेबसाइट पे अपलोड करना है वो 72 रेजोल्यूशन पे होता है। अगर हमने उसी डॉक्यूमेंट को या प्रिंट वगैरह करवाना है तो वो 300 PPI पे होता है, पिक्सल पर इंच, 300 होता है हाई रेजोल्यूशन, जितना मैं रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा उतनी क्वालिटी बढ़ जाती है इमेज की, समझिए, बाद उतने ही छोटे पिक्सल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी के लिए 72 ही रखना है, स्क्रीन डिज़ाइन बनाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास कलर मोड्स होते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू कलर मोड, ठीक है, ये यूज़ होता है स्क्रीन डिज़ाइंस के लिए। जैसे डिज़ाइन हमें सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, वो या तो मैं मोबाइल के अंदर वेबसाइट खोलूँगा, या लैपटॉप के अंदर खोलूँगा, या हमने कंप्यूटर के अंदर खोल रखी है, तो वो डिस्प्ले के अंदर हमें दिखेंगे डिज़ाइन, है ना, इंस्टाग्राम हमने खोल रखा है मोबाइल पे, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो डिज़ाइन बनते हैं RGB कलर्स में, क्योंकि हमारी LEDs में RGB कलर्स होते हैं। अगर हमें डिज़ाइन को प्रिंट करवाना है, हार्ड कॉपी चाहिए, जैसे विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, बिलबोर्ड्स हो गए, बैनर्स हो गए, तो CMYK के कलर यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म है सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, तो ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, समझ के बात, अभी के लिए मैं RGB रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिट्स होती है कलर की, कितने ज़्यादा बिट की कलर की डिस्प्ले है हमारी, अलग अलग होती हैं, वैसे 8 बिट बहुत होता है, इनफ होता है, तो हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरे कैनवस का साइज़ है, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे ये प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है ऊपर की साइड, नीचे आ रही है लेयर पैनल। लेयर होती है, हम अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग इमेजेस को हम मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट मीन्स कि मिक्स करते हैं और उनके एक आउटपुट निकालते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स होती हैं, इस लेयर को अनलॉक कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा, ये लॉक अनलॉक होगी ये लेयर। मैंने इसे हाइड किया, अभी देखो आपको दिख रहा होगा, चेकर दिख रहे होंगे। मैं जूम इन कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करना है कीबोर्ड से, स्क्रोल अप करना है, जूम इन, स्क्रोल डाउन करूँगा, जूम आउट, ठीक है, ऑल्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको चेकर दिख रहा है, इसे आर्टबोर्ड हमें कैनवस कहा जाता है, इसे
ये कैनवस खाली है अभी, इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने लेयर को एक्टिवेट किया, अब इसके अंदर वाइट शीट पड़ी है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आता है टूल बार। ठीक है, यहाँ टूल प्रॉपर्टीज है, ये मेन्यू बार है, मैंने बताया था ना, फाइल इमेज हेल्प वगैरह जहाँ लिखा हुआ, उसके नीचे एक और बार आ जाता है, ये टूल प्रॉपर्टी बार है। कैसे, जैसे मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज आने लगती हैं ऊपर की साइड। ठीक है, जैसे मुझे किसी भी टूल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसका ब्रश बड़ा छोटा करना है, उसमें प्रॉपर्टी ऐड माइनस कुछ भी करना है हमने, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ टूल, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। सबसे पहला टूल है जो, इसे मूव टूल कहा जाता है। मूव टूल का वर्क क्या है, जैसे यहाँ पे एक लेयर पड़ी है मेरी, इसको मैंने मूव करना है, इधर उधर कहीं भी रखना है, तो मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, ऐसे मूव कर सकता हूँ। देख रहे हो, मैं वाइट जो शीट पड़ी है हमारी, उसको मैं मूव कर पा रहा हूँ इधर उधर। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं इसको, साइड पे रखना है साइड पे। यहाँ पे मेरी वाइट शीट पड़ी है, ये सारा खाली पड़ा है, एम्प्टी है ये स्पेस। ठीक है, जो चेकर दिखता है हमें, तो हमने यहाँ पे इसको वापस रख दिया ऐसे सेट करके। आपको दिख रहा होगा ये पिंक कलर की लाइंस आ रही हैं यहाँ पे, देख रहे हो, है ना, ये पिंक कलर की लाइंस मुझे बता रही हैं कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे नहीं है, है ना। इसे कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। होता क्या है, ये व्यू के अंदर होता है, मेन्यू बार के अंदर जाना है, व्यू के अंदर, यहाँ पे शो के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे देख रखा है स्मार्ट गाइड्स, देख रहे हो, ये एक्टिवेट है ना, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अब देखो वो पिंक लाइंस नहीं आएंगी, देख रहे हो, नहीं आ रही है ना, ना वो मुझे बता रही है कहाँ पे कॉर्नर है, कहाँ पे सेंटर है। तो स्मार्ट गाइड्स को एक्टिवेट करके रखना है, व्यू के अंदर जाना है, शो के अंदर, स्मार्ट गाइड्स एक्टिवेट कर ली। अब देखो वो मुझे गाइड करते रहते हैं साथ के साथ कि कहाँ पे मैं एलिमेंट रख रहा हूँ, समझ गई थी वहाँ। तो हम क्या करते हैं, हम कोई इमेज ओपन करते हैं जिसको एडिट करके देखेंगे। हम यहाँ डाउनलोड्स के अंदर गए, यहाँ पे कोई भी इमेज उठा लेते हैं, जैसे हमने ये इमेज उठा लिया ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फाइल के अंदर जाओ, ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप इमेज को, किसी को भी, समझ गए इतनी बात। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसी, ये देखो लेयर आ गई ना यहाँ पे, अब नहीं, अब देखो मुझे इसका साइज़ चेक करना है। पहले तो मैंने साइज़ बनाया था, अब मैंने इमेज अपलोड की, उसका अपने आप ही साइज़ ले लिया कैनवस ने। ठीक है, मुझे इसका साइज़ चेक करना है या कम ज़्यादा करना है, तो हम कर सकते हैं। कैसे, हम इमेज के अंदर जाएंगे, ठीक है, मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे गया इमेज साइज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर इमेज साइज दे रखा है, आपको अलग इंचीज़ में देखना, आप इंचीज़ में चेक कर सकते हो कितना साइज़ है इसका। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन कितना है यहाँ पे बता रहा है ये। ठीक है, आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, मैंने 20 लिख दिया है, तो देख रहे हो वो चेंज हो गया, मैंने ओके किया, इमेज छोटी होगी। ठीक है, अंडू कर लेते हैं, नॉर्मली रखते हैं हम। ठीक है, अंडू कैसे करना है, एडिट के अंदर जाना है, ये देखो अंडू दे रखा। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने न्यू की कमांड यूज़ की थी, ठीक है, जहाँ ओपन की कमांड यूज़ की मैंने, जहाँ मैंने अंडू यूज़ किया, ये अंडू जब मैं यूज़ कर रहा हूँ या कमांड यूज़ कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट साइड पे नाम लिखा हुआ है इसका, न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, उसके राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एन कंट्रोल ओ, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडू मैंने यूज़ किया, यहाँ पे कंट्रोल जी कीबोर्ड शॉर्टकट, समझिए बात। ठीक है, तो ये याद रख लेने, धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हमने इस लेयर को डुप्लीकेट करना है। मैं हमेशा कभी भी वर्क करता हूँ बैकअप लेता हूँ फाइल का एक, है ना, तो बैकअप के लिए मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट लेयर कर दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लेयर का नाम लिख देना है, ये मेरी मेन लेयर है। ठीक है, ऐसे करके एंटर कर दिया मैंने, तो देख रहे हो यहाँ पे मेन आ गया। तो मैं इसको हाइड करके रख दूँगा, ये मेरा बैकअप है, मैं इस पर ही वर्क करूँगा। मुझे क्या करना है, एक्चुअल मैं आपको दिखा रहा था मैं कि ये रास्टराइज सॉफ्टवेयर है। एक रास्टराइज सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ये पिक्सल्स पे वर्क करता है। देख रहे हो यहाँ पे आपको पिक्सल दिखने लग गए होंगे, मैंने इतना जूम कर लिया, ये सिंगल पिक्सल सिंगल कलर, सिंगल कलर सिंगल सिंगल कलर, और बहुत सारे कलर मिलके हमें एक आउटपुट दिखाते हैं जो इमेज की फॉर्म में दिखती है, समझ गए बानू। तो ये फोटोशॉप करता है क्या एक्चुअल में, ये किसी भी पिक्सल को सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, तो हमने क्या किया, क्लिक किया मैंने, ड्रैग किया, आपको दिख रहा होगा इसने सिंगल पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। अगर ये सिंगल पिक्सल सेलेक्ट करता है तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है सेलेक्ट, ऐसे करके सेलेक्ट कर लिए इसने पिक्सल बहुत सारे। ठीक है, अगर इन पिक्सल्स को डिलीट करना है, मैंने डिलीट हिट किया, पिक्सल डिलीट हो गए, देख रहे हो पीछे कैनवस दिखने लग गया मेरा। ठीक है, मैं अंडू करूँगा, यहाँ पे एडिट के अंदर जाके अंडू कर लेते हैं, अंडू हो गया। अब कई बार हमने सिलेक्शन कर रखी होती है, उसको डी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेन्यू बार के अंदर कभी भी सिलेक्शन के ऑप्शन चाहिए तो सिलेक्ट पैनल के अंदर जाना है, डी सेलेक्ट हो गया ना, समझ गए बांधू। अब मैं, मुझे पता लग गया कि ये पिक्सल सेलेक्ट करता है। अब मैंने करना क्या है, मैंने ये जो मेरा जो करेक्टर है इसके सारे पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, कैसे करूँगा, यहाँ पे एक टूल आता है, ये सिलेक्शन टूल है, इसके अंदर के टूल कैसे आ रहे हैं, मैं क्लिक होल्ड करके रख रहा हूँ, उसके अंदर के टूल भी आ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक होल्ड करके रख रहा हूँ, उसके अंदर के टूल आ रहे हैं। मैंने तीसरे पे सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ के उसके अंदर के टूल आ रहे हैं, समझिए बात में। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये तीनों सिलेक्शन टूल ही हैं, इनके अंदर भी सारे सिलेक्शन टूल ही हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है न्यू सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंडर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ रहा है, यहाँ पे आप लासो भी कर सकते हो, फ्री हैंड भी कर सकते हो। लासो रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये रेक्टेंगुलर ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे देख रहे हो, इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लिया। मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, मैं अगर लासो लेता हूँ, लासो को सिलेक्ट करूँगा, लासो से क्या होगा, ऐसे फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे बताया कि मुझे ये करेक्टर सेलेक्ट करना है, तो ये फिर से डिटेक्ट कर लेगा अपने आप ही, देख रहे हो, इसने डिटेक्ट कर लिया और करेक्टर सेलेक्ट कर लिया, आपको दिख रहा होगा, है ना, रेक्टेंगुलर से ये पार्ट भी सिलेक्ट हो गया था यहाँ पे, तो इससे नहीं हुआ, लासो से उसने पूरा पूरा जहाँ जहाँ था वही वही सेलेक्ट किया, समझ गए बांधो। तो यहाँ पे एक और आता है सेलेक्ट सब्जेक्ट, मैं डी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, डी सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आता है सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दोगे आप तो ये अपने आप ही डिटेक्ट करेगा सब्जेक्ट को और सेलेक्ट कर लेगा, देख रहे हो, समझ गए बांधो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने पिक्सल सेलेक्ट कर लिए, अब कुछ कुछ पिक्सल इसने डी सेलेक्ट भी कर दिया, मुझे कुछ कुछ पिक्सल ऐड करने हैं उसके अंदर, तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लूँगा उसके बाद, ये पावरफुल टूल है काफ़ी। अभी देखो ये आपको सर्कल के अंदर एक प्लस दिख रहा होगा, मतलब ये ऐड करेगा सिलेक्शन को, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्शन उसने ऐड कर दी, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मुझे माइनस करनी है ये सिलेक्शन, यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर माइनस कर दूँगा, इसका ब्रश आपको बड़ा दिख रहा होगा, छोटा करना है या बड़ा करना है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दे रखी है, छोटा सा एरो है, यहाँ पे साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, मैंने कम किया साइज़ दिखाता हूँ, छोटा हो रहा है, ठीक है, मैंने ज़्यादा किया साइज़ बड़ा हो रहा है, समझिए बात में, ठीक है। आपको इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया, ऐसे माइनस कर दी इसने सिलेक्शन, देख रहे हो, ये भी अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कहाँ पर एजेस हैं, यहाँ पर प्लस करना है प्लस कर सकते हो, इनके शॉर्टकट क्या हैं, ठीक है, शॉर्टकट क्या है इनके, देखो अब मुझे प्लस करना है, मैंने ज़्यादा प्लस कर दिया, मुझे माइनस करना है। अब आप कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड करके रख सकते हो, ऑल्ट देख लो, जैसे ही होल्ड किया मैंने माइनस आ गया, वो देखो अपने आप ही जंप हो गया माइनस, मैं छोड़ दूंगा ऑल्ट प्लस पे आ जाएगा, ठीक है, ऑल्ट होल्ड किया मैंने माइनस कर दिया इतनी सिलेक्शन को, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ठीक है, मुझे प्लस करना है, मैं ऑल्ट छोड़ दूंगा प्लस पे आ जाएगा, ऑल्ट होल्ड कर लूँगा माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस करना है, मैंने प्लस किया, समझ गए बात में। अब ब्रश को आपने कीबोर्ड से छोटा बड़ा करना है ना, यहाँ से तो हम कर रहे थे छोटा बड़ा, अब मैंने कीबोर्ड से करना है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स होती हैं कीबोर्ड पे, करली ब्रैकेट सेंटर के ऊपर होती हैं करली ब्रैकेट्स, ये देखो यहाँ पे इसको मैं राइट लेफ्ट पे जाऊँगा तो छोटा होगा, राइट पे क्लिक करूँगा बड़ी होगी, समझ गए बात में। तो मैंने यहाँ से करना, तो मैंने इसे छोटा किया, मैंने यहाँ पे प्लस किया सिलेक्शन को, ठीक है, ये भी ऐड कर देंगे सिलेक्शन। देखो कुछ कुछ सिलेक्शन जो क्विक सिलेक्शन टूल से नहीं होती हैं, जैसे ये बालों के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस है, ये इससे नहीं होगी, तो यहाँ पे हम अलग टूल यूज़ करेंगे, लासो टूल दे रखा है हमारे पास, ये फ्री हैंड माइनस करता है, जैसे मैंने ऑल्ट होल्ड कर लिया, यहाँ पर मुझे माइनस करना है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है ना पेंसिल की तरह, ऐसे ड्रॉ किया तो ये माइनस कर दिया उसने, समझ गए बात में, ठीक है, ऐसे पार्ट होता है कुछ, जैसे यहाँ से हमने माइनस करना है ना। और भी टूल है हमारे पास, लासो पॉलीगन टूल आ गया, ये क्या करता है, सिंगल सिंगल स्ट्रेट लाइन लगाता है, मैंने ऑल्ट होल्ड कर लिया, शॉर्टकट सेम ही वर्क करेंगे है ना हर टूल के अंदर, मैंने ऑल्ट होल्ड कर लिया, यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे क्लिक 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 कर रहा हूँ, ऐसे सीधी लाइन चाहिए, क्लिक किया मैंने, क्लिक यहाँ पर क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, तो देख रहे हो माइनस हो गया वो, ठीक है उतना पार्ट। जैसे मुझे यहाँ पर करना है, जैसे यहाँ पर भी सीधी सीधी लाइन है, ऐसे सिंगल क्लिक किया मैंने, यहाँ सिंगल क्लिक किया, ऐसे सिंगल क्लिक, ऐसे ठीक है, क्लिक करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से हमने फोल्ड वगैरह करना है। अब देखो अंडू करना है मुझे इसको, है ना, कंट्रोल जेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैक स्पेस, अगर पीछे जाना है, ठीक है, फिर से मैं क्लिक करूँगा ऐसे, यहाँ पे मुझे अंदर की साइड चाहिए था थोड़ा, कुछ ऐसे करके,
समझ के बाद वो ये माइनस कर दिया मैंने इतना पार्ट। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सिलेक्शन बनाई है पिक्सल्स की, इनको एक खाली लेयर में कॉपी करना है कि मैं मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकूं, कोई नया बैकग्राउंड लगा सकूं यहाँ पे। समझ गई इतनी बात? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो लेयर वाया कॉपी एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा, कॉपी हो गया। अब देखो इसका भी एक यूज़ करने का तरीका है, जैसे अगर आप मूव टूल के अंदर आ गए सिलेक्शन करके, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएंगे राइट क्लिक करने में। अगर आप सिलेक्शन टूल के अंदर रहोगे, इन तीनों में से किसी में भी रहो, तभी राइट क्लिक करोगे, तभी सिलेक्शन के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया लेयर वाया कॉपी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लेयर बन गई है। इसका रीनेम कर सकते हो, डबल क्लिक करो नाम के ऊपर, यहाँ पे लिख दो करेक्टर। ठीक है, मैंने नीचे वाले को हाइड कर दिया, अभी आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मुझे कोई और बैकग्राउंड लगाना है, मैं फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड उठा लिया मैंने, या ये बैकग्राउंड उठा लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको, अब देखो ये जो बैकग्राउंड है अभी आया है, मैंने इसको स्केल करना है, इसको यहाँ से स्केल कर सकते हो आप, ऑल्ट होल्ड करके सेंटर से स्केल होना लगेगा वो, ऐसे मैंने स्केल कर लिया, अप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब हमें क्यों नहीं दिख रही पीछे वाला हमारे करेक्टर की इमेज, क्योंकि लेयर टॉप पर पड़ी है। लेयर का वर्क क्या होता है, जो लेयर टॉप पे होती है वो हमें फोरग्राउंड पे दिखती है, मतलब आगे दिखती है, जो लेयर बॉटम पे होती है वो बैकग्राउंड पे दिखती है, मतलब पीछे दिखती है। तो मुझे इस बैकग्राउंड को रीनेम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बीजी बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने इसको उठा के ड्रैग किया ऐसे नीचे की साइड, करेक्टर के नीचे रख दिया, अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बैकग्राउंड आ गया हमारा। हमने करेक्टर को क्या किया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसे, मुझे इस साइड पर रखना है कुछ ऐसे करके, तो यहाँ पे रख दिया। समझ गई इतनी बात? हमें थोड़े कलर वगैरह मैच करने हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी रेडिश टोन आ रही है, ब्लूइश टोन आ रही है, तो इसको भी वैसे ही करना है। इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, थोड़ी सी पहले कंट्रास्ट लगा लेता हूँ इमेज के अंदर। हमने कोई भी इमेज की सेटअप करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, तो इमेज के अंदर जाना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आती हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, जैसे मुझे कंट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज करना है या ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, तो वो कर सकते हो आप। ओके किया आपने, ठीक है। आपको थोड़े बहुत कलर और ज़्यादा मैच करने हैं, तो यहाँ पे आप कलर बैलेंस लगा सकते हो इसके ऊपर, एडजस्टमेंट के अंदर कलर बैलेंस। ठीक है, आपको थोड़ी रेड स्टोन ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, येलो स्टोन, तो आप डाल सकते हो। समझ गए बानू? तो ये कुछ ऐसी थी, ऐसी होगी। समझ गए बानू? हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ब्लर करना है पीछे वाली इमेज को। ठीक है, थोड़ी फोकस में आ जाए आगे वाली। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर, कोई भी ब्लर वगैरह या कोई भी ऐसा फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर के अंदर मिलेगा हमें मेन्यू बार के अंदर, फ़िल्टर के अंदर जाऊंगा, मुझे चाहिए ब्लर, मैं यहाँ पे गोशन ब्लर लगा देता हूँ, थोड़ा वैल्यू कम कर दूंगा ना, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा देख रहे हो, हम वैल्यू कम कर देंगे, हमें जितना चाहिए उतना ही करेंगे। ठीक है, कुछ इतना चाहिए हमें, ओके कर दिया हमने। समझ गई इतनी बात? ये यहाँ से हाइड अन हाइड करके देख सकते हो आपको क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, समझ गई इतनी बात? कोई डाउट हो इसके अंदर, कलर कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ इमेज के अंदर जाना है हमने, एडजस्टमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे कलर बैलेंस लगा सकते हैं हम, कलर बैलेंस आप कितना मर्जी कलर कम ज़्यादा कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके यूज़ करना है आपने जो कलर आपको चाहिए। अंडू कैंसिल है, कंट्रास्ट वाला, कंट्रास्ट करेंगे हम, ये देखो एडजस्ट एंड यहाँ पर आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, सेम वहीं से निकालना है। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, समझिए बंद। ठीक है, ऐसे कलर मैच कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट हो इसके अंदर? ठीक है।